पेरिस ओलंपिक का रोमांच अपने चरम पर है और इस पेरिस ओलंपिक में खेल के दौरान नए नए विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में एक हैरान करने वाला मामला दिखा जो इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि एक देश के पीएम को बीच में आकर अपनी बात रखनी पड़ी। दरअसल मामला पेरिस ओलंपिक के एक बॉक्सिंग मैच को लेकर है। ये मुकाबला इटली और अल्जीरिया के बीच खेला गया। ये बॉक्सिंग का मैच 46 सेकंड के अंदर ही समाप्त हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ये बॉक्सिंग मैच एक महिला और पुरुष के बीच खेला गया। दरअसल अल्जीरिया के खिलाड़ी इमान खलीफ पर आरोप है कि उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया है और उनमें पुरुषों के स्तर का टेस्टोस्टेरोन लेवल है, और वो इटली के खिलाड़ी एंजेला कैरेनी के खिलाफ पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग का मैच खेलने उतरी। मैच में इमान खलीफ ने एक जोरदार पंच एंजेला कैरेनी को मारा, जिसके बाद एंजेला मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाई और मुकाबला इमान खलीफ 46 सेकंड के अंदर ही जीत गई। लेकिन इस मुकाबले के बाद विवाद बढ़ गया। दरअसल पेरिस ओलंपिक में कई ऐसे मेल एथलीट भी हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने जेंडर चेंज करवाया हुआ है, फिर भी उन्हें फीमेल कैटेगरी में मौका दिया गया है। पूरा बवाल इसी को लेकर है। फीमेल एथलीट्स का कहना है कि किसी पुरुष की ताकत से उनका मुकाबला कराना सही नहीं है। वहीं इमान खलीफ की बात करें तो उनको पहले भी जेंडर टेस्ट में फेल होने की वजह से बाहर होना पड़ा था, लेकिन इस पेरिस ओलंपिक में वो बॉक्सिंग का मुकाबला खेलती हुई दिखी। इटली के खिलाड़ी के हार के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ओलंपिक कमेटी से इस मामले पर असहमति जताई है।